दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं अनीस अहमद खान हिंदू वॉइस से आपसे मुखातिब। मेरे साथ हैं मोहम्मद अहमद काजमी साहब, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बार बार मैं बताता हूँ कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनकी ऊपर मास्टरी है इनकी, और ग्राउंड जीरो पे इन्होंने रिपोर्टिंग की है वार की, सबसे बड़ी बात है। और आपका चैनल है मीडिया स्टार वर्ल्ड, जिसमें जो पूरे इन्हीं के ऊपर इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर रहता है, आप देखिए उसको, आपको इंटरनेशनल अफेयर्स की बड़ी साफ शुद्ध खबरें मिलेंगी। काजमी साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। आप ये बताइए, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ अखबारों में नैरेटिव, क्योंकि गोदी मीडिया जैसे कहलाता है, गोदी मीडिया भी है और अखबारों में और मीडिया में, भारत के, हिंदुस्तान के, भारत के, कुछ ऐसा नैरेटिव चल रहा है कि ईरान से ताल्लुकात ख़राब करने की। हालांकि ईरान का भी जो चाबहार का मसला हुआ, ईरान ने अपना क्लियरिफिकेशन दिया कि हम कभी भारत साथ आया नहीं था इस प्रोजेक्ट में, और आना चाहे तो आ जाए, वो कभी उन्होंने ऐसी बात नहीं की है कि जिससे अलग हो जाए। हालांकि ईरान बहुत से मामलों में नहीं बोल रहा है भारत के मामलों में, और ब्लॉक भी अलग अलग हो गए हैं भारत के। ईरान अमेरिका से कट्टर दुश्मनी, और भारत को ईरान हरदम सपोर्ट, पहले भी यानी बरसों से साथ है। तो ये नैरेटिव मीडिया में क्यों फैलाया जा रहा है ईरान का खास तौर पे, और मुस्लिम कंट्रीज का तो नहीं आया अभी तक, कि ईरान और भारत में दोस्ती नहीं रही और ताल्लुकात ख़राब हो गए दोनों के आपस में? जी, देखिए इसकी शुरुआत जो हुई, आम तौर पे देखिए इंडिया और ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं। इसके बावजूद जब इंडिया की, भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ बढ़ा, ईरान से तेल लेना बंद किया पिछले साल से, उसके बावजूद भी ईरान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे, निस्बतन ठीक रहे हैं, उसमें कोई ऐसी ख़राबी नहीं आई। और चूंकि अमेरिका की पाबंदी की वजह से भारत ने तेल लेना बंद किया था, अमेरिका की पाबंदियों से ईरान पहले भी बहुत बरसों से एक तरह से उसमें उलझा हुआ है या उसे नुकसान हो रहा है। लेकिन अभी जो ताज़ा जो बात शुरू हुई वो बहुत ही दिलचस्प थी। हमारे भारत का एक अखबार है जो चेन्नई, उसका हेडक्वार्टर है द हिंदू, इंग्लिश का अखबार है, उसमें एक खबर छपी, और उस खबर को लिखने वाली थी सुहासिनी हैदर, वो सुब्रमण्यम स्वामी जी की बेटी हैं। अच्छा, तो अच्छी जर्नलिस्ट मानी जाती हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पर लिखती हैं, लेकिन मैं ये बैकग्राउंड जो बता रहा हूँ उसकी वजह है। उसमें ये बताया गया कि चाबहार जो बंदरगाह है उससे जाहिदान के बीच 628 किलोमीटर की रेलवे लाइन का जो ट्रैक बिछनी थी वो भारत को बिछानी थी, लेकिन अभी तक भारत ने चूंकि नहीं बिछाई, लेट हुआ, फंड्स नहीं पहुंचे, इसलिए ईरान ने वो अपने आप शुरू कर दिया है प्रोजेक्ट। और ये कहा गया चाइना साथ आ गया, हाँ, और भारत को उस प्रोजेक्ट से अलग कर दिया है, अलग लिस्ट, ये बात इस खबर में कही गई। इसके अलावा उस खबर में सोर्सेज बताए गए बगैर नाम के, ईरान से भी और इंडिया से भी, उस सोर्सेज के बेस पर उन्होंने ये खबर बनाई। भारत की तरफ से किसी ऑफिसर का बगैर नाम लिए ये बताया कि हम अलग नहीं हुए, हम बाद में उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें जो ख़ास बात देख रहा हूँ वो ये, और फिर उस खबर को पूरे मीडिया ने उछाला, बहुत बहुत बुरी तरीके से, मोदी मीडिया ने भी, सोशल मीडिया ने भी, हमने भी एक स्टोरी की थी उसकी डिटेल्स बताने के लिए क्या क्या खबर हमें आया है। तो लेकिन मैं जो अब वापस मुड़ के देख रहा हूँ कि उस खबर के पीछे मकसद ये था कि ईरान और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब होने चाहिए, और ये ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश जो होती है वो अमेरिका और इज़राइल के एजेंटों के ज़रिए होती है। ये कई बार अब से पहले भी हो चुका है। मुझे याद है कि 2012 में एक वाक़या ऐसा हुआ था, उस वक्त इंडिया का ट्रेड डेलीगेशन जाने वाला था ईरान, और एक कोई वाकया हुआ जिसकी वजह से वो ट्रेड डेलीगेशन नहीं गया, और ईरान के खिलाफ बहुत बड़ा एक कैंपेन चला, एक तलखी पैदा हुई। तो वो ऐसे मौक़ों पर जानबूझ करके कुछ किया जाता है। तो अभी मुझे अब जो एक नई फिर ईरान की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन आया कि इस प्रोजेक्ट से ईरान मतलब भारत और ईरान के बीच में बात तो हुई थी 2016 में जब ये एग्रीमेंट हुआ था, मोदी जी तेहरान गए थे, अशरफ गनी भी पहुंचे थे अफगानिस्तान से, तीन मुल्कों के बीच में
एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन इस रेलवे ट्रैक वाले प्रोजेक्ट पर सहमति नहीं बन पाई थी दोनों मुल्कों के बीच में, इसलिए उससे भारत को अलग हटाने का कोई मामला ही नहीं है, क्योंकि सहमति नहीं बनी, जब सहमति नहीं बनी भारत के पास था ही नहीं वो प्रोजेक्ट। तो ये क्लैरिटी आई है। अभी एक ताज़ा खबर है ईरान से, मैं आज ही देख रहा था कि ईरान का जो पोर्ट डिपार्टमेंट है, पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट, जो जिसमें चाबहार भी उनके अंडर में आता है, उन्होंने बाकायदा कहा है कि भारत ने चाबहार पोर्ट में बहुत ही अप्रिशिएबल अच्छा काम किया है, और वो मुसलसल काम कर रहे हैं इंडिया के इंजीनियर्स वगैरह, और जो जो भी उन्होंने वादे किए हैं उसमें बहुत सी क्रेन्स कुछ लगनी है या और दूसरे काम हैं, तो वो बहुत अच्छा हो रहा है। यानी इसमें ईरान ने जो रिस्पांस दिया इस डिस्टर्बेंस के दौरान, वो पॉजिटिव दिया है। वो पॉजिटिव नंबर एक ये दिया कि उस प्रोजेक्ट से इंडिया को अलग नहीं किया गया, वो पहले से था ही नहीं इसमें। दूसरी बात अब जो आई है, एक बात दूसरी आई कि बाद में भारत ज्वाइन कर सकता है, ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल था। अब तीसरी बात जो अब आई है वो चाबहार में इंडिया का रोल बहुत अच्छा है, ईरान अप्रिशिएट कर रहा है। तो मुझे इस सब सारी चीज़ें जोड़ करके अगर हम देखें तो ये बहुत साफ नज़र आ रहा है कि वो जो हिंदू में खबर छपी थी वो बहुत ही इंटेंशन के साथ छपी थी, ताकि इन दोनों मुल्कों के बीच में ताल्लुकात और ख़राब कराए। अच्छा, जिस तरीके से एक खबर और आ रही है पेट्रोलियम एग्रीमेंट की, कि उससे बाहर कर दिया, ये कहा गया कि ईरान ने उससे बाहर कर दिया, जी, जी, जी। तो वो क्या है? वो एक प्रोजेक्ट है फरजाद बी के नाम से, एक ब्लॉक है गैस का, उसका एक्सप्लोरेशन का काम भारत को दिया था, और उससे अलग होने की बातें ईरान के अलावा सब जगह से आ रही हैं। तो मुझे तो इसमें भी गड़बड़ घोटाला ही लग रहा है। देखिए, बुनियादी बात यह है कि अमेरिका और ख़ास तौर पर इसराइल, वो कभी नहीं चाहता कि ईरान के नज़दीक कोई अच्छा बड़ा मुल्क हो, बड़ा मुल्क और इंडिया चूँकि एक बड़ा मुल्क है इस पूरे इलाके का, तो वो ये नहीं चाहते कि वो ईरान के साथ खड़े हों, ये उनकी एक प्रॉब्लम है। लेकिन अब ईरान और चाइना के का बड़ा एग्रीमेंट हो रहा है, ईरान और सीरिया का बहुत बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, ईरान और इराक के बीच में बहुत बड़े एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, वहाँ भी $20 बिलियन का प्रोजेक्ट ट्रेड लाने की बात हो रही है। अभी दो दिन पहले जो तेहरान में थे इराक के प्राइम मिनिस्टर, तो ये अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान को। ईरान अपनी जगह काफ़ी हद तक मजबूत होता जा रहा है, $400 बिलियन का 25 साल का एग्रीमेंट जो चीन और ईरान के बीच में होने जा रहा है, अमेरिका की पाबंदियों की तो वैसे ही हवा निकल जाएगी इसमें और सब बह जाएगा। अभी बताइए कि क्या ईरान और भारत कोई ऐसा एग्रीमेंट आगे जा के करेंगे? देखिए, ऐसी बात चल रही है। देखिए, एग्रीमेंट मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हमारे विदेश मंत्रालय में अभी कुछ लोग अभी बाकी हैं जो ईरान की अहमियत की बात कर रहे हैं, और अफ़गानिस्तान में जब हम पहुंचे हैं अपने सामान के साथ, वो ईरान के साथ कोऑपरेशन की वजह से पहुंचे हैं जो चाबहार है, और जो हम सेंट्रल एशियन मुल्कों तक और यूरोप तक बाय रोड या बाय ट्रेन पहुंचने की बात हम कर रहे हैं सामान के साथ, वो हम ईरान के रास्ते से जाने की बात कर रहे हैं चाबहार की। तो हाँ, चाबहार, तो ईरान की अहमियत जियोपॉलिटिकल इस तरह की है, उससे इनकार करके हम अपने आप को अलग करें, मैं समझता हूँ ये और बड़ी गलती होगी। इमीडिएट नेबर्स से हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, डिस्टेंट नेबर से भी ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, तो मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा नहीं। वैसे एक बात है कि मैं देखता हूँ कि एक बहुत बड़ी लॉबी अभी भी है भारत में कि जो कि ईरान को फेवर करती है, हर तरीके से फेवर करती है, मजहब के अलावा डिप्लोमेटिक लॉबी है, वो चाहे वो ये बात कहती है कि ईरान से हमें ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। तो क्या ऐसी चीज़ है जो बीजेपी की सरकार है मोदी जी की, वो चाहती है कि ईरान से ताल्लुकात अच्छे रहें? अपने फ़ायदे की हद तक तो हाँ, वो तो हर कंट्री का हर कंट्री चाहती है अपने कारोबारी फायदे तक हाँ, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा फैसला भारत ने, लेकिन ये सिर्फ बीजेपी वाला मामला नहीं है, इससे पहले कांग्रेस के ज़माने में भी, मुझे 2005 याद है जब
गैस पाइपलाइन ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन पर बात हो रही थी, तो हमने उस वक्त भी अमेरिका के दबाव में उस पाइपलाइन को एक्सेप्ट नहीं किया। बातें तो करते रहे ईरान से लेकिन आखिर में वो ना हो सकी। तो उन गलतियों से, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत रही हो या आप बीजेपी की, जैसे जैसे पड़ोसी मुल्कों से आप दूर जाएंगे, फ़ायदे आपसे दूर चले जाएंगे और नुकसान में हम उलझते चले जाएंगे। क्योंकि एक चीज़ तो भारत ने कर ली है कि अमेरिका ने कहा कि तेल ना लूँ ईरान से, तो उन्होंने तेल बंद कर दिया ईरान से, जबकि बहुत बड़ा ग्राहक था भारत ईरान का। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से कि तो शक होने लगता है कि हो सकता है कि ऐसी बातें आगे भी चलें। हमारा देखिए, हमारा उसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रहा है, हमें फॉरेन एक्सचेंज में इमीडिएट पेमेंट करनी पड़ रही है जहाँ से भी हम तेल खरीद रहे हैं, जो कि ईरान के साथ हमारे साथ ऐसा नहीं था। रेट भी निस्बतन बेहतर थे, लेकिन सस्ता था। हाँ, सस्ता था और उसका 40-60% डॉलर और रुपीज़ वाला मामला भी था, तो वो हमारे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल था। हमारा बहुत सा सामान जाता था ईरान जो अब नहीं जा रहा, तो ये नुकसानात हुए हैं। ये बुनियादी बात यह है कि हमें भारत को अपनी हैसियत को समझने की ज़रूरत है और एसर्टिव होने की ज़रूरत है। अपना फ़ायदा जिसमें हो वो काम करें, नेशनल इंटरेस्ट को सबसे सर्वोपरि जिसे कहते हैं वो रखें, ना कि हम विदेशी ताकतों के, विदेशी मुल्कों के दबाव में आकर के हम अपना नुकसान कर लें। ऐसा करने से हमारा नुकसान ही हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब कि आपने एक बहुत मसले के ऊपर अपने विचार रखे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।